तो ये इस प्लेलिस्ट का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग MySQL एक्सप्लोइट करने वाले हैं। तो MySQL की तरफ चलते हैं और अंडरस्टैंडिंग MySQL वाले सेक्शन में चलते हैं। तो मैंने इंट्रो इसलिए नहीं बनाया बिकॉज़ MySQL ज़्यादातर लोग जानते हैं कि क्या होता है, खास करके कंप्यूटर साइंस वाले बंदे। तो इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत शायद से नहीं पड़ेगी और हम सीधा एक्सप्लोइटेशन की तरफ चलेंगे। फिर भी एक बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं कि MySQL क्या होता है। तो इन इट्स सिंपलेस्ट डेफिनेशन, MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पे बेस्ड है। तो बहुत सारे एक्रोनिम हैं, तो समझते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? तो डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा है, और RDBMS अ सॉफ्टवेयर और सर्विस यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस बेस्ड ऑन अ रिलेशनल मॉडल। द वर्ड रिलेशनल जस्ट मीन्स दैट द डेटा स्टोर्ड इन द डेटा सेट इज ऑर्गेनाइज एज टेबल्स। मतलब रिलेशनल बोलने का मतलब ये है कि टेबल में जो भी डेटा है वो ऑर्गेनाइज तरीके में ठीक ठाक तरीके से स्टोर किया गया है, और हर एक टेबल किसी न ईच 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 नहीं सॉरी एवरी टेबल रिलेट्स इन सम वे टू ईच अदर्स प्राइमरी की और द और अदर की फैक्टर्स। फिर MySQL की तरफ आते हैं। तो MySQL इज़ जस्ट अ ब्रांड नेम फॉर RDBMS सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। तो ये क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ करता है जैसा कि यहाँ पर लिखा है। और फिर बट हाउ डू द क्लाइंट एंड सर्वर कम्युनिकेट? तो क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जैसे सर्वर है और सर्वर पे डेटा है, मतलब डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है। तो एक क्लाइंट है और एक सर्वर है, जहाँ पर सर्वर पर डेटा रखा हुआ है और हमारा क्लाइंट है। तो क्लाइंट को डेटा फेच करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो फेच कैसे करेगा डेटा? तो वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के थ्रू फेच कर सकता है। तो एक लैंग्वेज है जिसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो वो चीज़ डेटा फेच करने में, डेटा अपडेट करने में, डेटा डिलीट करने में, डेटा अपडेट करने में, ये सब चीज़ों में लगती है। ठीक है, तो मैनी अदर प्रोडक्ट्स सच एज PostgreSQL एंड माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर हैव द वर्ड SQL इन देम। दिस सिमिलरली सिग्निफाइज दैट दिस इज़ अ प्रोडक्ट यूटिलाइजिंग द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सिंटेक्स। तो हाउ डज MySQL वर्क? तो ये एक डेटाबेस बनाता है फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ ईच टेबल। क्लाइंट्स मेक रिक्वेस्ट बाय मेकिंग स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स इन SQL। तो जैसा कि मैंने बताया कि SQL लैंग्वेज के थ्रू क्लाइंट जो है वो डेटा को अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, फिर मॉडिफाई कर सकता है और अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो सर्वर विल रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट विद वॉट एवर इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिक्वेस्टेड। ठीक है, फिर वॉट रन्स MySQL? तो MySQL कैन रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स, वेदर इट्स लिनक्स और विंडोज़। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है, लिनक्स पे भी चलेगा, विंडोज़ पे भी चलेगा। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ बैकएंड डेटाबेस फॉर मेनी प्रोमिनेंट वेबसाइट्स। हाँ, ज़्यादातर वेबसाइट्स में बैकएंड में डेटाबेस के तौर पे SQL को यूज़ किया जाता है। एंड फॉर्म्स एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लैम्प स्टैक विच इंक्लूड्स लिनक्स, अपाची, MySQL एंड PHP। ठीक है, तो मोर इन्फॉर्मेशन, तो मोर इन्फॉर्मेशन में हियर आर सम रिसोर्सेज दैट एक्सप्लेन द टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ MySQL इन मोर डिटेल देन आई हैव कवर्ड हियर। फिर वॉट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ MySQL? तो MySQL का इसका आंसर यहाँ पर है। इन इट्स सिंपलेस्ट डेफिनेशन MySQL इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। फिर वॉट लैंग्वेज इज़ MySQL बेस्ड ऑन? तो MySQL इज़ बेस्ड ऑन SQL लैंग्वेज। SQL लैंग्वेज के थ्रू हम डेटा के साथ डील कर सकते हैं। वॉट कम्युनिकेशन मॉडल डज MySQL यूज़? तो इट यूजेस क्लाइंट सर्वर मॉडल, क्लाइंट सर्वर। फिर वॉट इज़ ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ MySQL? तो MySQL का कॉमन एप्लीकेशन है बैक एंड डेटाबेस। तो बैक एंड डेटाबेस, डेटाबेस है या डेटाबेसेस हैं? डेटाबेस है। Now, what major social network use MySQL as their backend database? This will require further research. तो इस चीज़ को कॉपी करते हैं और इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि हमें क्या आंसर मिलता है। Facebook is widely seen as the largest and most complex MySQL deployment and is often the source of new innovation fed back into the community platform. तो Facebook इसका आंसर होना चाहिए, Facebook। और फिर हमने MySQL को समझ लिया है। फिर उसके बाद में इन्यूमरेटिंग MySQL, तो हमने मशीन स्टार्ट कर लिया और आपको पता है कि 5 मिनट बूट ठीक से हो जाने के लिए देना पड़ता है हमें, सो बी पेशेंट। व्हेन यू वुड बिगेन अटैकिंग MySQL?
तो माई एस क्यूएल, यहाँ पर वही लिखा है कि माई एस क्यूएल हमारा पहला पॉइंट तो नहीं होगा अटैक करने का, अगर कुछ नहीं बचा है तो हम माई एस क्यूएल की तरफ जा सकते हैं, बाकी हमें दूसरी चीज़ों पर ही फोकस करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर वही लिखा, माई एस क्यूएल इज़ लाइकली नॉट गोइंग टू बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल व्हेन गेटिंग इनिशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सर्वर। फिर अटैम्प्ट, हमने पिछले टास्क में देखा है, अटैम्प्ट टू ब्रूट फोर्स डिफ़ॉल्ट अकाउंट पासवर्ड इफ़ यू रियली डोंट हैव अदर इन्फॉर्मेशन। हाउएवर इन ज़्यादातर सी टी एफ सीनेरियोज़ में ये हमारा अवेन्यू नहीं होगा अटैक करने के लिए, लेकिन कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है वो देखने के लिए हम माई एस क्यूएल पर काम अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। तो द सीनैरियो, तो सीनैरियो दिया गया है हमारे पास कि हमने कोई झोल झपाट करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ जमा के पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड का इंतज़ाम किया है। तो यूज़र नेम इज़ रूट एंड वी हैव फाउंड द पासवर्ड एज पासवर्ड। तो कहीं ना कहीं से हमें पासवर्ड, रूट और पासवर्ड, ऐसा यूज़र नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन मिला है। ये सिनेरियो है, ये अभी फ़िलहाल की सिचुएशन है, ठीक है। हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं, हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है। तो हमने SSH के लिए ट्राई किया लेकिन हम लॉग इन नहीं कर पाए, और फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम इस जो आइडेंटिटी है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड की, रूट और पासवर्ड जो हमें मिला, ये हम माई एस क्यूएल की ऊपर यूज़ करेंगे। तो हम एक ट्राई कर रहे हैं, हमें जो पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड मिला है उसके थ्रू। तो रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट के लिए यू विल वॉन्ट टू हैव माई एस क्यूएल इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम टू कनेक्ट टू द रिमोट माई एस क्यूएल सर्वर। तो अगर नहीं है तो इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर लिनक्स बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे है तो। तो डोंट वरी, दिस वॉन्ट इंस्टॉल द सर्वर पैकेज ऑन योर सिस्टम, जस्ट द क्लाइंट। ओके, तो हम लोग फिर से मेटास्प्लॉइट यूज़ करने वाले हैं। इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू हैव मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल, ठीक है। अल्टरनेटिव्स, एज इन द प्रीवियस टास्क, इट्स वर्थ नोटिंग दैट एवरीथिंग वी विल बी डूइंग यूजिंग मेटास्प्लॉइट कैन ऑल्सो बी डन एदर मैनुअली और विद अ सेट ऑफ नॉन मेटास्प्लॉइट टूल्स सच एज एन मैप्स माई एस क्यू एल स्क्रिप्ट। तो इस चीज़ को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि स्क्रिप्ट में क्या है। तो स्क्रिप्ट है माई एस क्यू एल हाइफन इनम और फिर टारगेट। तो ये चीज़, ये ब्रूट क्रेड्स माई एस क्यू एल एन मैप शॉर्ट पुट शायद से ये सब परफॉर्म करेगी, और हमें हमें सब वैलिड अकाउंट्स मिलने वाले हैं शायद से। तो हम चेक करते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो मैं सबसे पहले इस आईपी एड्रेस को कॉपी करता हूँ और फिर एन मैप स्पीड देते हैं T4, और फिर उसके बाद में स्क्रिप्ट का नाम क्या था, स्क्रिप्ट का नाम था डैश डैश स्क्रिप्ट इक्वल्स ये, और फिर हम इससे कहते हैं कि तुम सर्विस वर्जन भी डिटेक्ट कर लेना, और फिर टारगेट आईपी, तो टारगेट आईपी ये है। और फिर ये अपना, जैसा कि आपको पता है कि TOP1024 पोर्ट स्कैन करेगा और हमें रिजल्ट शो करेगा, तो हम रिजल्ट्स का वेट करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमारे पास दो पोर्ट्स ओपन मिले हमें, एक है 22 जो कि SSH का है और एक है 3306 जो कि माई एस क्यू एल का है, और हमें वैलिड यूज़र नेम्स की एक लिस्ट मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये हमसे क्या आंसर मांग रहा है। एज ऑलवेज लेट स्टार्ट विद अवर विद अ पोर्ट स्कैन, वॉट पोर्ट इज़ माई एस क्यू एल यूजिंग, 3306, 3306। फिर गुड, नाउ वी थिंक वी हैव अ सेट ऑफ क्रीडेंशियल्स, लेट्स डबल चेक दैट बाय मैनुअली कनेक्टिंग टू द माई एस क्यू एल सर्वर वी कैन डू दिस यूजिंग द कमांड दिस। तो ये कमांड यूज़ करने से पहले ये चीज़ कर लेना, बिकॉज अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर चीज़ें काम नहीं करेगी। तो माई एस क्यू एल और फिर माई एस क्यू एल क्या कमांड है, डैश एच और फिर आईपी एड्रेस, डैश एच आईपी, आईपी एड्रेस और फिर यूज़र नेम। हमारे पास यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम हमें सिचुएशन दी गई थी कि हमारे पास रूट यूज़र नेम और पासवर्ड इस पासवर्ड, तो यूज़र नेम है हमारे पास रूट और डैश पी। तो यह पासवर्ड मांगेगा तो हम पासवर्ड के तौर पे एंटर करते हैं पासवर्ड जो कि हमें मिला था, और हम माई एस क्यू एल क्लाइंट की, क्लाइंट के पास हैं शायद से। तो हाँ, माई एस क्यू एल नन। तो हमसे आगे पूछा गया है कि ओके वी नो दैट आवर लॉगिन क्रेडेंशियल्स वर्क, लेट्स क्वाइट
लेट्स क्विट आउट ऑफ दिस सेशन विथ एग्जिट एंड लॉन्च मेटास्प्लॉइट। तो मेटास्प्लॉइट लॉन्च करने के लिए नया टर्मिनल ओपन करते हैं और MSF कंसोल डैश क्यू। तो हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हमें सर्च करना है ये मॉड्यूल। वी आर गोइंग टू बी यूजिंग माई एस क्यू एल अंडर स्कोर एस क्यू एल मॉड्यूल। सर्च फॉर ऑप्शन सिलेक्ट करो और फिर व्हाट थ्री ऑप्शंस डू वी नीड टू सेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, अच्छा ठीक है देखते हैं। सर्च किए यूज ज़ीरो ऑप्शंस। तो पहला ऑप्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो पासवर्ड आर होस्ट और फिर यूज़र नेम। पासवर्ड आर होस्ट और फिर यूज़र नेम, ठीक है। रन द एक्सप्लॉइट बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेस्ट। हाँ पहले हमें सब कुछ सेट भी तो करना है। तो सेट पासवर्ड एज, पासवर्ड क्या है, पासवर्ड ही है, पासवर्ड इज़ पासवर्ड। सेट आर होस्ट एज, आर होस्ट में क्या दे देंगे, टारगेट आईपी दे देंगे। और यूज़र नेम में क्या दे देंगे, जो यूज़र नेम हमारे पास है दैट इज़ रूट और फिर एक्सप्लॉइट। और चेक करते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो इसने हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वर्जन दिया ये, ठीक है। तो रन द एक्सप्लॉइट विद द सिलेक्ट वर्जन कमांड। व्हाट रिजल्ट डज इट गिव, डज दिस गिव यू। बाय डिफ़ॉल्ट इट विल टेस्ट विद द सिलेक्ट वर्जन कमांड। ऑप्शंस में क्या था, अच्छा ये SQL, ये चीज़ सिलेक्ट वर्जन की तरफ सेट है। तो इसने हमें ये चीज़, ये वर्जन रिटर्न किया है। तो हम ये चीज़ आंसर करते हैं और फिर ग्रेट, वी नो दैट आवर एक्सप्लॉइट इज लैंडिंग एज प्लैंड, लेट्स ट्राई टू गेन सम मोर एम्बिशियस इन्फॉर्मेशन। तो SQL ऑप्शन को शो डेटाबेसेस की तरफ चेंज करना है हमें। पहले सिलेक्ट वर्जन था, ये पहले था सिलेक्ट वर्जन और अब हमें इस ऑप्शन को चेंज करना है। कहाँ गया ये वाला ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन को चेंज करना है हमें, सेट SQL टू दिस शो डेटाबेसेस। और अब वापस रन करते हैं, रन करो एक्सप्लॉइट करो एक ही बात है, दोनों कमांड सेम काम करते हैं। तो सेंडिंग स्टेटमेंट्स शो डेटाबेसेस, तो हमें कितने डेटाबेस मिले हैं, 1 2 3 4, चार डेटाबेस मिले। हाँ मैंने डेटाबेसेस रिटर्न 4। अब हमने अच्छे से समझ लिया है, हमने इन्यूमरेशन परफॉर्म कर लिया, अब एक्सप्लॉयटेशन की बारी है। व्हाट डू वी नो, तो हमें पता है कि माई एसक्यूएल सर्वर क्रेडेंशियल्स क्या है, रूट और पासवर्ड, वर्जन क्या है वो भी पता है हमें, और नंबर ऑफ डेटाबेसेस और उनके नाम, हाँ चार, और उनके नाम है इन्फॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस। तो की टर्मिनोलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक्सप्लॉइट्स वी आर गोइंग टू यूज़ नेक्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू की टर्म्स। तो स्कीमा क्या होता है, तो फिजिकली या स्कीमा, स्कीमा सेम होता है, एक सिनोनिम है डेटाबेस का, डेटाबेस बोलो स्कीमा बोलो एक ही बात है। यू कैन सब्सटीट्यूट द कीवर्ड स्कीमा इंस्टेड ऑफ डेटाबेस इन माई एसक्यूएल। एसक्यूएल सिंटेक्स फॉर एग्जांपल यूजिंग क्रिएट स्कीमा इंस्टेड ऑफ क्रिएट डेटाबेस। और इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ सम अदर डेटाबेस प्रोडक्ट्स ड्रॉ अ डिस्टिंक्शन। तो ओरेकल डेटाबेस प्रोडक्ट में स्कीमा एक पार्ट ऑफ डेटाबेस रिप्रेजेंट करता है, ना कि पूरा अखा डेटाबेस, ठीक है। फिर हैशेज, तो हैशेज आर वेरी सिंपल, द प्रोडक्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम टू टर्न अ वेरिएबल लेंथ इनपुट इनटू अ फिक्स्ड लेंथ आउटपुट। इन माय एसक्यूएल हैशेज कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, फॉर इंस्टेंस टू इंडेक्स डेटा इनटू अ हैश टेबल। और यहाँ क्या लिखा है, कुछ काम का है क्या, दिस क्रिएट्स एन इंडेक्स, ठीक है। However, the data we are going to be extracting are password hashes, which are simply a way of storing passwords, not in plain text format. हाँ सही बात है। तो let's get cracking. First, सबसे पहले तो हमें password dump करना है, तो हमें इस module का use करना पड़ेगा। तो search this और फिर use zero. Options check करते हैं, set password as password, set r host एज दिस, सेट यूज़र नेम एज रूट। और आर पोर्ट तो अपनी जगह ठीक ही है, बिकॉज हमने स्कैनिंग के टाइम पे भी चेक किया कि आर पोर्ट हमारा 3306 ही है। फिर से ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, सब कुछ सेट हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी रन करते हैं और हमें
क्या मिलेंगे, पासवर्ड्स मिलेंगे शायद से, वो भी हैश्ड फॉर्मेट में। व्हाट्स द मॉड्यूल फुल नेम, मॉड्यूल का पूरा नाम क्या है, ये है मॉड्यूल का पूरा नाम। तो एक स्लैश दो स्लैश नहीं पास सॉरी पासवर्ड नहीं है हमें, स्कीमा डंप, हाँ मतलब कॉल रोज एंड कॉलम्स मिलने चाहिए। तो ऑक्सीलियरी भी आएगा शायद से, हाँ ऑक्सीलियरी। तो इस चीज़ को सबमिट करते हैं। ग्रेट, नाउ यू हैव डन दिस अ फ्यू टाइम्स, तो ये हमने कर लिया, हमने ऑप्शंस वगैरह सेट कर लिया। तो लास्ट टेबल दैट गेट्स डंप, तो लास्ट टेबल, तो ये तो कॉलम्स हैं, तो लास्ट टेबल का नाम ये है, ये लास्ट टेबल का नाम। तो यहाँ देखोगे अगर आप तो बहुत सारे टेबल्स हैं और हर टेबल के अंदर कॉलम्स हैं। यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, डी बी नेम सिस टेबल कॉलम, और उसके बाद में अलग अलग टेबल के नाम और उसके अंदर कॉलम्स है। तो हमें लास्ट वाले का चाहिए, तो ये उसका नाम है, लास्ट टेबल का नाम ये है। फिर ऑसम, यू हैव नाउ डम्प्ड द टेबल्स एंड कॉलम नेम्स ऑफ द होल डेटा बेस, बट वी कैन डू वन बेटर सर्च फॉर द सिलेक्ट। हाँ अब ये चीज़, ये जो था ये स्कीमा डम्प था, और ये जो है यहाँ से हमें हैशेज मिलेंगे। तो सर्च हैश डंप और फिर यूज़ ज़ीरो, और फिर वापस से ऑप्शन सेट करते हैं। पासवर्ड तो पासवर्ड ही है, और आर होस्ट तो हमारा टारगेट ये है, यूज़र नेम जो है वो रूट है। फिर से ऑप्शंस चेक करते हैं और वापस रन करते हैं। तो ये देखो हमारे पास यूज़र और उनके करस्पॉन्डिंग हैशेज हैं, तो हम जॉन का यूज़ करके पासवर्ड्स क्रैक कर सकते हैं, अगर हम लकी हुए तो हमें पासवर्ड मिल जाएगा। तो व्हाट्स द मॉड्यूल्स फुल नेम, क्यों चाहिए होता है इन्हें मॉड्यूल का पूरा नाम। तो ये चीज़ को कॉपी करते हैं और ऑक्सीलियरी स्लैश, ठीक है। अगेन आई विल लेट यू टेक इट फ्रॉम हियर, सी द सेट द रिलेवेंट ऑप्शन। व्हाट्स द नॉन डिफॉल्ट यूज़र, नॉन डिफॉल्ट यूज़र रूट, ठीक है। MySQL.session, हमें ऑड सा यूज़र चाहिए, जो क्रिएटेड यूज़र है वो चाहिए हमें। तो कार्ल हो सकता है शायद से, कार्ल होगा नहीं तो रूट होगा, कार्ल ही होना चाहिए। हाँ अनदर यूज़र एंड वी हैव देयर पासवर्ड हैश, दिस कुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, कॉपी द हैश स्ट्रिंग। यहाँ से क्रैकिंग करनी है, तो हम इस चीज़ को क्या करते हैं, हम इस चीज़ को कॉपी करेंगे और हम नैनो यूज़र हैश डॉट txt, तो ये पुराना हैश है शायद से, और इस चीज़ को पेस्ट करते हैं, कंट्रोल ओ एंटर कंट्रोल एक्स, और फिर हम जॉन को कहेंगे कि ये लिस्ट लो, सॉरी ये फाइल लो और इसका पासवर्ड फाइंड करके बताओ। तो अगर हम लकी हुए तो हमें पासवर्ड मिल जाएगा, और लकीली हमें पासवर्ड मिल गया है, पासवर्ड इज़ डॉगी। तो नाउ वी है, वी नीड टू क्रैक पासवर्ड जॉन है, व्हाट इज़ द पासवर्ड वी फाउंड, तो पासवर्ड इज़ डॉगी, और यूज़र ये चीज़ भी चाहिए उन्हें कि व्हाट इज़ द यूज़र स्लैश हैश कॉम्बिनेशन स्ट्रिंग। तो ये रहा यूज़र, ये कार्ल हमारा यूज़र है, और फिर यहाँ ये हैश है। तो इस चीज़ को सबमिट करते हैं। तो ऑसम, पासवर्ड रीयूज़ इज़ नॉट एक्सट्रीमली डेंजरस। तो होता है कितनी बार ऐसा कि हम एक ही पासवर्ड को बहुत सारी जगह यूज़ करते हैं बिकॉज भूल जाते हैं, तो हो सकता है कि ये बंदे ने भी SSH में यूज़ किया हो, बिकॉज दो ही पोर्ट्स ओपन है, एक है 22SSH और एक है MySQL। तो MySQL पे से तो हमें जितना करना था उतना कर लिया हमने। अब यहाँ पर वो लोग सीधी सी बात है इंडिकेट कर रहे हैं पासवर्ड रीयूज़, तो पासवर्ड रीयूज़ कहाँ ही कर सकता है, SSH पे कर सकता है, बिकॉज MySQL पे तो ऑलरेडी हो चुका है पासवर्ड यूज़। तो हम चलते हैं SSH की तरफ, SSH, और फिर उसके बाद में यूज़र नेम रूट, रूट नहीं सॉरी कॉल एट द रेट IP एंड पासवर्ड इज़ DOGGIE, और हम सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं, और कैट MySQL.txt करेंगे तो हमें फ्लैग मिल जाना चाहिए,
THM कॉन्ग्रेचुलेशन यू गॉट द MySQL फ्लैग, तो इस चीज़ को भी सबमिट करते हैं और हमने सक्सेसफुली MySQL को भी एक्सप्लॉइट कर दिया है। तो मैं मशीन भी टर्मिनेट कर देता हूँ और इस चीज़ को क्लोज करता हूँ और हम चलते हैं फर्दर लर्निंग की तरफ। तो हियर सम थिंग्स दैट माइट बी यूजफुल टू रीड आफ्टर कंप्लीटिंग द रूम इफ़ इट इंटरेस्ट्स यू। ठीक है, थैंक्स फॉर टेकिंग द टाइम टू वर्क थ्रू दिस रूम, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर पोलो, कॉन्ग्रेचुलेशन यू डिड इट। तो इस चीज़ को कम्प्लीट मार्क करते हैं और हमने सक्सेसफुली नेटवर्क सर्विसेज टू भी रूम कम्प्लीट कर लिया। तो हमने छः सर्विसेज जो नेटवर्क में यूज़ की जाती हैं, बेसिक नेटवर्क सर्विसेज एक्सप्लोइटेशन छः टाइप के हमने कवर किए हैं। तो दो रूम हमने कवर किया है छः वीडियो के अंदर। तो अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना और अपनी अपनी राय कमेंट्स में देना ताकि मैं अपने आप को सुधार पाऊँ अगर मुझसे कहीं गलती हुई हो तो। और फिर बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।